नमस्कार, आईवी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। महिला आरक्षण बिल को लेकर राजद के रुख साफ नहीं। केंद्र सरकार आज सदन में लाए जा रहे महिला आरक्षण बिल ला रही है, जिसको लेकर आरजेडी ने अपना रुख साफ नहीं किया है। 1998 में जब ये विधेयक लोकसभा में आया था, तो उस समय आरजेडी लोकसभा जो जहानाबाद से जीते थे, उस समय यही आरजेडी है जो महिला आरक्षण बिल की कॉपी को फाड़ दिए थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। राजद की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि महिला आरक्षण के अंदर वंचित, उपेक्षित, खेतिहार एवं मेहनतकश वर्गों की महिलाएं की सीटें आरक्षित हों। कुलों की महिलाएं की भी जाति है, अन्य वर्ग की तीसरी चौथी पीढ़ी की बजाय वंचित वर्गों की महिलाएं की अभी पहली पीढ़ी ही शिक्षित हो रही है, इसीलिए इनका ज्ञान आरक्षण के अंदर आरक्षण होना अनिवार्य है। राबड़ी देवी ने इस ट्वीट के बाद रमानंद यादव भी बोलने से बच रहे हैं। राजद विधायक मंत्री रामानंद यादव से लेकर पत्रकारों ने महिला आरक्षण बिल पर सवाल किया, तो उन्होंने कहा इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। आगे आप वीडियो में देखिए कि क्या कुछ कह रहे रामानंद यादव। महिला आरक्षण बिल को लेकर आरक्षण सुनिए, प्रवक्ता हम लोग के अधिकृत है, प्रवक्ता ही सब बोलेगा। नहीं नहीं मेरे यहाँ जो पार्टी प्रवक्ता अधिकृत से वही बताएं। आरजेडी का स्टैंड क्या है? भाई स्टैंड प्रवक्ता बता दीजिए सारा से। मेरा पहले प्रवक्ता बता दीजिए। तो देखा आपने, रमानंद यादव ने कहा पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता ही इस पर अपनी राय दे सकते हैं, और जब पत्रकारों ने कहा कि आप जनप्रतिनिधि हैं, इस पर आपकी क्या राय हो सकती है, तो पत्रकारों के सवाल पर रमानंद यादव बचते नजर आए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ आईवीटीवी पे। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।